मेरी अकेले की नहीं, यहाँ पे इस मोहल्ले में ना सबकी ही परेशानियाँ हैं, गलियों की, जालियों की, और आपके सीवर की, सबकी मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। इवन कि अब स्ट्रीट लाइटों की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, चोटियाँ इतनी होती हैं यहाँ पर कि पूछो ही मत। आप कोई भी कार्यकर्ता वो रहता तो उसका काम तो हो गया, लेकिन एक आम पर्सन का कुछ नहीं होता यहाँ पर, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, नहीं हो रही सुनवाई, बहुत परेशान है आम आदमी। तो क्या आप 2025 में बदलाव चाहेंगे? बहुत ज्यादा, हम तो चाहते कि बदलाव हो। हम पुराने लोगों को क्यों नहीं लाइट मिल रही है? हम कंप्लेंट करें डेढ़ दो दो सालों से, क्यों नहीं रिस्पांस दे रहे हमें? अभी कुछ काम सही ढंग से अब नहीं हो रहा, टू बी क्लियर। जर्नैल सिंह, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके कामों को लेके? आप, हमने पिछले 10 साल में उसको गली के अंदर कभी नहीं देखा। गलियों की हालत ये है कि गलियों सीवर सब जाम है, पानी के कनेक्शन सब खराब है, जो भी जहां जब भी किसी सुबह से लेकर रात तक देख लो पानी गंदा ही मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि वो नजर नहीं आते और सड़कों को लेके, तो 10 साल में नहीं आए, वो तो मैंने चमचों के यहाँ खड़े होते हैं, कभी वहाँ खड़े होते हैं रिंग रोड पे उस तरफ, कभी वहाँ खड़े होते हैं, इन गलियों में तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आप सर? हम नहीं है जी सेटिस्फाइड। अच्छा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बस क्यों क्या हो? दिखता है काम, वो केवल एक लिमिट एरिया तक सीमित है अपने आप को, उन्होंने केवल संतगढ़ के एरिया में सीमित कर रखा है अपने आप को, बाकी कोई एरिया में नहीं जाता। अच्छा, विजिट ही नहीं किया? 9 साल से है, हमने नहीं देखा आज तक। आपकी अगर समस्या होती है जो भी, अगर आप बताते हो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो वो सॉल्यूशन करते हो? हमें पता सॉल्यूशन नहीं होगा, हम बताते नहीं समस्या। जी मैम, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा सीमा। अच्छा, तो आपकी क्या परेशानियां हैं? मेरी अकेले की नहीं, यहाँ पे इस मोहल्ले में ना सबकी ही परेशानियां हैं, गलियों की, जालियों की, और आपके सीवर की, सबकी मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। इवन कि अब स्ट्रीट लाइटों की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, चोरियाँ इतनी होती हैं यहाँ पर कि पूछो ही मत। आप एक बार नहीं, कई बार बोल चुके हैं, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, जो यहाँ के जो जनरल सेक्टर तो बारिश पर पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो आगे के कार्यकर्ता है ना वो बात आगे तक पहुँचा रहे हैं बेचारे, हमें ये भी नहीं पता। उनके गलियों में काम भी हो रहे, सब कुछ हो रहे हैं, उनके जो यहाँ पे उनका वर्क करते हैं उनके काम हो रहे हैं, लेकिन जो हम जैसे आम पर्सन हो गए यहाँ, उनका कुछ नहीं होता। अच्छा, जो पोस्ट डाल दी, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, वो एक जगह के उन्होंने उद्घाटन डाला हुआ है कि उन्होंने जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई, उसके बारे में वो कौन सा एरिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल में स्ट्रीट लाइटें वहाँ पे लगती है, तो स्टार्टिंग में लगा देते हैं, जैसे गली के एंड का, आप देखिए 11 नंबर गली है, लाइक समझ लो ये तो 12 नंबर होगी, तो वहाँ से लेके वहाँ तक है। अब मैं आके सब काम कर लेती, क्योंकि वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता, जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, कोई भी कार्यकर्ता वो रहता तो उसका काम तो हो गया, लेकिन एक आम पर्सन का कुछ नहीं होता यहाँ पर, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, नहीं हो रही सुनवाई, और बहुत परेशान है आम आदमी। तो क्या आप 2025 में बदलाव चाहेंगे? बहुत ज्यादा, हम तो चाहते कि बदलाव हो। ये तो अभी फिर भी गली साफ है, आप 10 नंबर गली में जाके देखिए, और 11 नंबर देखिए, ये 12 नंबर 10 है सॉरी वो 11 नंबर है, वहाँ पे गली में जाके देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। कंप्लेंट कर रखी है, मानू कहते हैं, मानू जी को बोला, उन्होंने कहा हम करवाएंगे, ना भी ले जाते हैं, और फिर स्ट्रीट लाइट को 1.5 साल हो गया है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी, सब कुछ भेज रखा है उनको, नो रिस्पॉन्स। अभी न्यू स्ट्रीट लाइट के लाइटें नहीं है, अभी इन्होंने पीछे थोड़े टाइम पहले कहीं का स्ट्रीट लाइट लगाई है, तो कहाँ जी जी है स्ट्रीट लाइट, कहाँ से आ गई? तब हम पुराने लोगों को क्यों नहीं लाइट मिल रही है? हम कंप्लेंट करें डेढ़ दो दो सालों से, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हमें? अभी कुछ काम सही ढंग से अब नहीं हो रहा, टू बी क्लियर। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर सिंह है। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है, क्या नाम? जर्नैल सिंह। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके कामों को लेके? आप, हमने पिछले 10 साल में उसको गली के अंदर कभी नहीं देखा, इस गली में वहां से लेके वहां तक कभी भी नहीं देखा उसको। अशोक मानू जो जरूर आया था वहां पे, जो हमारे यहाँ काउंसलर रहा है, वो आता है कभी कभार, रेगुलर वो भी नहीं आता। गलियों की हालत ये है कि गलियों सीवर सब जाम है, पानी के कनेक्शन सब खराब है, जो भी जहाँ जब भी किसी सुबह से लेकर रात तक देख लो पानी गंदा ही मिलेगा, पीने का पानी यहाँ आता नहीं है, ठीक है। लाइटें की तो आपको बताया ही है उन्होंने, लाइटों का क्या हाल है, ज़्यादातर लाइटें फ्यूज हैं, जो है भी चलती भी हैं वो इस एंगल्स में हैं कि वो गली के अंदर रोशनी आती नहीं। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि वो नजर नहीं आते और सड़कों को लेके, मतलब 10 साल में नहीं आए, वो तो मैंने चमचों के यहाँ खड़े होते हैं, कभी वहाँ खड़े होते हैं रिंग रोड पे उस तरफ, कभी वहाँ खड़े होते हैं, इन गलियों में तो मैंने कभी देखा ही नहीं।
नहीं, जिस तरह से आए थे ना, पोस्ट डालते रहते हैं गलियों में घूमते हुए बाइकों से और रोड की सफाई। मैं वही पोस्ट की बता रहा हूँ। पोस्ट क्या होती है, वो वही कोने पे खड़े होके चार आदमी इकट्ठे होते हैं और वहीं वो फोटो खिंचवाते हैं और वहीं से चले जाते हैं। हमने नहीं देखा उन्हें कभी गली में। वही चार आदमी उनके पक्के वाले होते हैं हर बार, और वही दिखते होंगे आपको। तो अच्छा ये बताइए कि उसे पूछो गली नंबर 10 में तेरे बंदे कौन कौन है, किसी से कभी जाके मिला है, पूछो उससे। अच्छा वो तीन बार से जीतते हुए आ रहे, तीन बार से विधानसभा चुनाव जीतते हुए, तो चौथी बार में क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे वो तो पब्लिक का व्यू है, ठीक है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जीतेंगे इस बार। आप भी बदलाव चाहते हैं बाकी लोगों की तरह? बदलाव तो खैर अब हर कोई चाह रहा है, तो हम तो पब्लिक के साथ ही हैं। मेरा कोई पर्सनल तो एनिमिटी है नहीं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ पब्लिक का नुमाइंदा होने के हिसाब से, उसको सड़कों पे आना चाहिए, उसको लोगों से मिलना चाहिए, मेरे काम में आना चाहिए। ये सारे जाम है सीवर, ये तो खुद देख सकते हैं। ये हमसे पूछने के बजाय अगर ये 10 मिनट खुद ही रिपोर्टर जो है आपके सड़कों पे चल लेंगे तो इन्हें खुद ही पता लग जाएगा कितना काम है। आप सर? हम नहीं है जी सेटिस्फाइड। अच्छा आप सेटिस्फाइड नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बस क्यों क्या दिखता है काम नहीं, कुछ काम ऐसे होंगे, कुछ पॉइंट होंगे ना जो आपको नेगेटिव लगे। सारे पॉइंट हैं, वो केवल एक लिमिट एरिया तक सीमित है अपने आप को। उन्होंने केवल संतगढ़ के एरिया में सीमित कर रखा है अपने आप को, बाकी कोई एरिया में नहीं जाते। जैसा कि इन्होंने कहा और बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनका ये कहता है कि ये आपने व्हाट्सएप कर दिया, किसी कुछ कर दिया, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, फिजिकली क्या है? अच्छा विजिट ही नहीं किया? पिछले 9 साल से है, हमने नहीं देखा आज तक, यही रहते हैं। तो आपकी अगर समस्या होती है जो भी, अगर आप बताते हो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो सॉल्यूशन करते हो? हमें पता सॉल्यूशन नहीं होगा, हम बताते नहीं समस्या। तो क्या आप बदलाव चाहेंगे 2025? हाँ नेचुरल है। अच्छा पार्टी ही चेंज करना चाहेंगे या फिर पार्टी अगर किसी और को? अच्छा ये होता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है उन्हीं के आदमी यहाँ हो, ताकि सेंटर से प्रेशर पड़े और काम हो, क्योंकि ये स्टेट नहीं है ना, यूटी एक तरह से। या तो केजरीवाल छींक भी लेंगे तो पीएम से पूछेंगे, एलजी से पूछेंगे। विधायक जनरल सिंह है? जनरल सिंह, हाँ। तो उनके कामों को लेके आपका क्या कहना है? सर सेटिस्फैक्टरी है मैम, जब बहुत ज्यादा बेटर तो नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत काम हो रहे हैं, कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ अधूरे भी हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है उनसे कि सड़कों को लेके गंदगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, गंदगी है इधर उधर, सड़कों में लाइटें वगैरह नहीं है, रोड्स भी टूटी हुई हैं, कई बार कंप्लेंट्स की हैं, सीवर बहुत खराब हालत में। तो ये कंप्लेंट्स के बाद भी यहाँ के MLA सुधार के लिए नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, कई बार कंप्लेंट किए और लेकिन कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए 2025 इलेक्शन है, अच्छा। तो क्या चाहेंगे आप, एक बार फिर से उन्हें जीत दिलाना चाहेंगे या फिर चेंज करना? नहीं वो तो देखिए टाइम आएगा तो देखा जाएगा, अगर अभी जो अगर बात करें उनके कामों की तो आप उनके कामों पहले ठीक रहा, लेकिन अब आकर पोजीशन थोड़ी खराब हो गई। अब जो भी काम है पेंडिंग चल रहे हैं, कोई भी काम हो नहीं रहा, तो अभी अगर हाँ वैसे तो काम पहले सही हुआ है लेकिन अभी फिलहाल पोजीशन अच्छी नहीं इस टाइम पे, जो भी कंप्लेंट दी है कोई सुनवाई।